जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। और आज मैं आपको शिव खेरा की बुक यू कैन विन से जीतने वाले लोगों के 5 गुण बताने वाला हूं। पर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाली सभी वीडियो से फायदा उठा सके। तो बिना किसी देरी की करते हैं काम की बात। नंबर 1, एटीट्यूड। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी के दौरान पता चला कि 85% लोगों को प्रमोशन उनके एटीट्यूड के कारण मिलता है। केवल 15% लोगों को प्रमोशन उनकी नॉलेज और इंटेलिजेंस के कारण मिलता है। आपके एटीट्यूड का आपकी जिंदगी में कितना बड़ा रोल है, यह समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। डेविड जब अपने भाई से मिलने गया तो उसे पता चला कि वहाँ पर एक राक्षस की दहशत है। डेविड ने कहा, आप लोग उस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं है? उसके भाई ने कहा, वह राक्षस इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता। डेविड ने जवाब देते हुए कहा कि आप सभी लोग गलत हैं। सच तो यह है कि वह राक्षस इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया एक भी निशाना चूक नहीं सकता। इसके बाद डेविड उस राक्षस से लड़ा और उसने एक गोली से उसे मार डाला। यहाँ से आप समझ ही गए होंगे कि आपका एटीट्यूड ही आपको जिंदगी में विनर बनाता है। अगर आप अपनी जिंदगी में मौजूद किसी भी समस्या से बाहर आना चाहते हैं तो उस समस्या के प्रति अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाइए। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी ग्रैबर। आपको इसे समझने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक साधु था, वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार गांव में बहुत भीषण बाढ़ आई, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की तरफ बढ़ने लगे। जब लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी पेड़ के नीचे बैठे हैं तो उन्हें यह जगह छोड़ने की सलाह दी। पर साधु ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया और पानी साधु के कमर तक आ पहुंचा। इतने में वहां से एक नाव गुजरी। मल्हार ने कहा, हे साधु महाराज, आप इस नाव पर सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दूंगा। नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। कुछ देर बाद बाढ़ और प्रचंड हो गई। साधु ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा और वहां बैठकर ईश्वर को याद करने लगा। तभी अचानक उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ पहुंचा। बचाव दल ने एक रस्सी लटकाया और साधु को उसे जोर से पकड़ने का आग्रह किया, पर साधु फिर से बोला, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। उसकी हट के आगे बचाव दल भी उन्हें लिए बगैर वहां से चला गया। कुछ ही देर में पेड़ बाढ़ की धारा में बह गया और साधु की मृत्यु हो गई। मरने के बाद साधु महाराज स्वर्ग पहुंचे और भगवान से बोले, हे प्रभु, मैंने तुम्हारी पूरी लगन के साथ आराधना की, तपस्या की, पर जब मैं पानी में डूबकर मर रहा था तब तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आए? भगवान बोले, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए 1 नहीं 3 बार आया, पहला ग्रामीण के रूप में, दूसरा नाविक के रूप में, तीसरा बचाव दल के रूप में, किंतु तुम मेरे इन अवसरों को पहचान नहीं पाए। दोस्तों, इस जीवन में हमें ईश्वर कई अवसर देते हैं। इन अवसरों की प्रकृति कुछ ऐसी होती है कि वे किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, वे एक दौड़ते हुए घोड़े के समान होते हैं जो हमारे सामने से तेजी से गुजरते हैं। यदि हम उन्हें पहचान कर उनका लाभ उठा लेते हैं तो वे हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, अन्यथा हमें बाद में पछताना ही पड़ता है। नेक्स्ट, रेडी फॉर सक्सेस। अगर आप किसी भी कामयाब इंसान की सफलता की कहानी जानेंगे तो आप पाएंगे कि वह इंसान बहुत सी असफलताओं को पार करके कामयाब बना। मैं आपको ऐसे इंसान की कहानी सुनाता हूँ जिसने सफल होने से पहले असफलताओं का समंदर पार किया। उस आदमी ने 21 साल की उम्र में व्यापार में असफलता प्राप्त की, 22 साल की उम्र में चुनाव हार गया, 24 साल की उम्र में उसने फिर से व्यापार में असफलता का सामना किया, 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, 27 साल की उम्र में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, 34 साल की उम्र में वह चुनाव हार गया, 45, 47 और 49 साल की उम्र में उसे चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 52 साल की उम्र में वह अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। उस व्यक्ति का नाम अब्राहम लिंकन था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आपकी नजर में अब्राहम लिंकन एक असफल इंसान थे? आप 1 मिनट के लिए सोचिए। उन्होंने इतनी असफलताओं का सामना किया, अगर वे चाहते तो मैदान छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि हार केवल एक भटकाव थी, सफर का अंत नहीं। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, यह बात आपकी जिंदगी में बहुत अधिक मायने रखती है। अगर आप सोचते हैं कि आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते तो आप कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं तो आप सच में बहुत कुछ कर जाएंगे। इसलिए आपका ध्यान हमेशा हाई सेल्फ एस्टीम की तरफ होना चाहिए। सेल्फ एस्टीम आपके काम करने की क्षमता को बढ़ा सकता है। आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं आपको हाई सेल्फ एस्टीम और लो सेल्फ एस्टीम वाले लोगों में अंतर बता देता हूँ। हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोगों के पास बात करने के लिए क्रिएटिव आइडिया होते हैं, उन्हें दूसरों की फिक्र होती है, इनके पास हमेशा ही बात करने के लिए काम की बातें होती है और वे गिवर होते हैं। लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग आइडिया के बजाय लोगों की बातें करते हैं, ये दूसरों के बारे में कभी कुछ नहीं सोचते, ये अक्सर ही दूसरे लोगों से आर्ग्यू करते हैं, ये लोग गिवर नहीं टेकर होते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि आपके पास हाई सेल्फ एस्टीम होना कितना जरूरी है। नेक्स्ट, गोल सेटिंग।
क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर लोग विनर क्यों नहीं बन पाते? असलियत में उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए, यानी कि उनके पास कोई गोल नहीं होता। एक बार एक यात्री ने एक चौराहे पर आकर एक व्यक्ति से पूछा, यह रास्ता कहाँ जाता है? उस व्यक्ति ने पलट कर पूछा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? उस यात्री ने कहा, मैं नहीं जानता। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, फिर तो कोई भी रास्ता पकड़ लो, क्या फर्क पड़ता है। लेखक के अनुसार आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। मैं आपको स्मार्ट का मतलब अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। एस फॉर स्पेसिफिक, यानी कि स्पष्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वजन घटाने की सोच रहे हैं तो यह सिर्फ एक इच्छा है। यह गोल तब बनेगा जब आप ये तय कर लेंगे कि आप कितने दिनों में वजन घटाएंगे। एम फॉर मेजरेबल, यानी कि जिसे मापा जा सके। अगर आप अपने गोल को माप नहीं सकते तो आप उसे प्राप्त भी नहीं कर सकते। ए फॉर अचीवेबल, यानी कि हासिल करने के काबिल। आपका गोल कठिनाइयों से भरा होना चाहिए, लेकिन नामुमकिन नहीं। आर फॉर रियलिस्टिक, यानी कि वास्तविक। अगर कोई इंसान एक दिन में 20 केजी वजन घटाना चाहे तो यह असंभव है, इसलिए आपका गोल वास्तविक होना चाहिए। टी फॉर टाइम बाउंड, यानी कि समयबद्ध। आपको आपके काम शुरू करने का समय और खत्म करने का समय पता होना चाहिए। अब आप समझ ही गए होंगे कि आपका गोल स्मार्ट क्यों होना चाहिए। नेक्स्ट, विजन। अगर आप दूर की नहीं सोचते तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। उदाहरण के तौर पर, एक सुबह एक आदमी ने जब अखबार देखा तो न्यूज़पेपर में उसके मरने की खबर गलती से छपी हुई थी। खबर पढ़ने के बाद उसके होश उड़ गए। फिर उसने सोचा कि चलो देखते हैं लोगों ने उसके बारे में क्या कहा। अखबार में लिखा था, डायनामाइट का बादशाह मर गया, और वो मौत का सौदागर था। ऐसा इसलिए लिखा था क्योंकि उसने डायनामाइट की खोज की थी। यह पढ़ने के बाद वो सोचने लगा कि क्या उसे इस तरह याद किया जाएगा। उसने खुद से कहा, मैं ऐसा नहीं चाहता कि लोग मुझे इस तरह याद रखे। और उस दिन के बाद उसने शांति के लिए काम करना शुरू कर दिया। उस व्यक्ति का नाम अल्फ्रेड नोबेल था, और उसका विजन ही था कि आज उसे नोबेल पुरस्कार के लिए याद किया जाता है। सफल होने के लिए आपको आपकी कीमत पता होनी चाहिए और विजन क्लियर होना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।